हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मिस्टर होप्स प्ले हाउस गेम की स्टोरी को और साथ ही इस गेम की सभी एंडिंग्स को भी। और अगर आपको इस प्रकार का कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने ये गेम अभी तक नहीं खेली है तो आपको जरूर खेलनी चाहिए और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा। और ये गेम आपको आसानी से फोन पर भी मिल जाएगी, तो जाकर जरूर खेलें। इस गेम का सेकंड चैप्टर भी है जो कि इस गेम का प्रीक्वल है। और वाकई आप सभी का रिस्पांस इस वीडियो पे अच्छा रहा तो मैं इसके सेकंड चैप्टर को भी जरूर कवर करूंगा जो कि स्टोरी के हिसाब से बेहद जरूरी है। तो चलिए स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। गेम की शुरुआत में रूबी अपने डैड से बोलती है कि आप मिस्टर होप को अपने साथ ले जा सकते हो क्योंकि वो मुझे डरा रहा है। जिसके जवाब में उसके डैड बोलते हैं कि पागल मत बनो रूबी, नाना तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी, जो कि उसकी ग्रैंड मदर है और नाना ने मिस्टर होप को तुम्हारे लिए बनाया है। तुम अब सोने की कोशिश करो। फिर रूबी के रूम की लाइट टिमटिमाने लगती है या कहें लुपचुप होने लगती है। ऐसे में मिस्टर होप चेयर से अचानक गायब हो जाता है, जिसे देख रूबी मॉम डैड चिल्लाने लग जाती है और यहीं से रूबी 6 टास्क को पूरा करना शुरू कर देती है। रूबी का पहला मकसद अपने माता पिता के रूम में जाना होता है, जिस बीच वो एक टेडी बेयर पर पैर रख देती है और वो टेडी वार्निंग देता है कि इन टॉयज पर पैर रखने से तुम्हारा ध्यान आकर्षित होगा। फिर रूबी मॉम डैड के रूम में पहुंचती है जहाँ उसके मॉम डैड नहीं होते। फिर रूबी अपने बेडरूम में वापस जाने के लिए अपना रास्ता बनाती है, जो कि उसका दूसरा टास्क है। जिस बीच उसे उसका टैडी दिखाई देता है जो कि हाइट में बहुत बड़ा है और वो मिस्टर होप है, जिससे वो बचते बचाते आगे बढ़ती है अपने अगले टास्क को पूरा करने के लिए। फिर रूबी का तीसरा टास्क घर से बाहर निकलना होता है, जो कि उसका मेन मकसद है, लेकिन इस बारे में हम आगे बात करेंगे। रूबी का चौथा टास्क अपनी माँ को ढूंढना होता है, जो कि इस गेम में कहीं है ही नहीं। जिसके बाद रूबी टेप रिकॉर्डर को ढूंढती है जो उसको बेसमेंट के ड्रॉर में मिलता है। और फिर रूबी एक एक करके सारी टेप्स को ढूंढ निकालती है जो कि रूबी को गाइड करती हैं। जिसके बाद रूबी पांचवे टास्क में की को ढूंढती है जो उसको हाउस प्लांट वाले रूम में मिलती है, जहाँ पर मिस्टर होप ने एक दीवार तोड़ रखी होती है। जहाँ से जाने के बाद रूबी अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है, जहाँ उसको एक तिजोरी मिलती है जिसका कोड रूबी के पेरेंट्स की एनिवर्सरी डेट है और ये कोड आपको किचन में टंगे हुए कैलेंडर में मिलता है। तिजोरी को खोलने पर रूबी को एक गुलेर मिलती है जो कि गेम में बेहद जरूरी है, जिसकी मदद से रूबी मिस्टर होप का सामना कर पाती है। और अब रूबी का छठा और आखिरी टास्क मिस्टर होप को ढूंढना है, जो उसको अपने माता पिता के कमरे के बाहर मिलता है, जिसको मारने के बाद रूबी आगे बढ़ती है तो उसको नाना की आवाज सुनाई देती है जो रूबी को अपने पास किस करने के लिए बुला रही है। और रूबी बोलती है कि नाना मुझे लगा कि तुम हो। जिसके तुरंत बाद वहाँ मिस्टर होप आ जाता है और अपने बड़े बड़े हाथों के जरिए से नाना को ले जाता है और रूबी के पीछे पड़ जाता है। जिस दौरान रूबी के रास्ते में कई सारे हाथ आते हैं जिनको रूबी अपनी गुलेर से मारती है और घर से बाहर निकल जाती है। और रूबी बाहर खड़े होकर अपने घर को जलता हुआ देखती है, पर तभी अंदर से आवाज आती है, रूबी हमें बचाओ, रूबी अपने परिवार को बचाओ। और ये गेम यहीं खत्म होती है और इस एंडिंग का नाम फायर स्टार्टर है, जो इस गेम की ओरिजिनल एंडिंग है। इस एंडिंग के अलावा भी इस गेम की 3 और एंडिंग है, तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट, स्लीप टाइट एंडिंग। इस एंडिंग में रूबी जब बेड से उठती है तो अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है और देखती है कि मेरे पेरेंट्स बेड पर नहीं हैं। फिर रूबी अपने आप से कहती है कि ये मेरा एक बुरा सपना है, ये बोलकर सोने चली जाती है। तो मिस्टर होप रूबी को ढूंढ लेता है और उसको बेड पर लेटा हुआ देखता रहता है और ये एंडिंग यहीं खत्म होती है। सेकंड, एस्केप आर्टिस्ट एंडिंग। इस एंडिंग में रूबी मिस्टर होप से बचकर घर से बाहर आ जाती है, जहां उसको पुलिस मिलती है, जिनको देख के रूबी
सीधे खड़ी हो जाती है और पुलिस बोलती है, तुम कहाँ पर हो? फिर पुलिस रूबी को कार में बिठा लेती है जो कार से बाहर देख रही है, और मिस्टर होप उसे विंडो से छुप छुप कर देख रहा होता है, और ये एंडिंग यहीं खत्म होती है। थर्ड आई गॉट अ गन एंडिंग। इस एंडिंग में रूबी जब अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है तो उनके बेड पर बहुत सारा ब्लड होता है, जिसको देखने के बाद रूबी पेरेंट्स के रूम की तिजोरी खोलती है जिसमें एक गन होती है, और उसी गन से पहले मिस्टर होप को मारती है। उसके बाद मिस्टर होप के बड़े बड़े हाथों से बचते बचाते घर के बाहर पहुंचती है, जहां उसको पुलिस मिलती है जो रूबी को बोलती है कि ड्रॉप द गन नाउ, और पुलिस वाले रूबी की तरफ गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस रूबी के घर को इन्वेस्टिगेट करती है और उसके पेरेंट्स के रूम में खूनी मंजर देखने को मिलता है, और रूबी को पुलिस पकड़ लेती है। कुछ समय बाद रूबी के घर में फॉरेंसिक टीम आती है, जिनको वहां पर मिस्टर होप मिलता है, और ये एंडिंग यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस गेम की स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर वाकई अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको इन सभी एंडिंग्स में से कौन सी एंडिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और अगर आप सभी का रिस्पॉन्स इस वीडियो पे अच्छा रहा तो मैं इसके सेकेंड चैप्टर को भी जल्द ही कवर करूंगा, और साथ ही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और साथ ही शेयर भी करें, ताकि मैं आप सभी के लिए इस तरह की वीडियोस ला सकूं। क्योंकि अगर आप सभी का रिस्पांस इन वीडियोस पे अच्छा होगा ही नहीं तो मेरा वीडियो बनाने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखें और साथ ही शेयर भी करें, ताकि मैं आप सभी के लिए इस तरह का कंटेंट ला सकूं। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय-बाय।